प्रधानमंत्री आवास योजना में पंजीयन के नाम पर कर रहे थे लूट। सूचना पर पहुंचे जनपद सीओ अभिषेक त्रिवेदी। कराहल जनपद सीओ अभिषेक त्रिवेदी बरगमा भ्रमण के दौरान कुछ लोगों को पकड़ा है जो कि गांव में बैठकर प्रधानमंत्री आवास योजना के पंजीयन के नाम पर 300 से 400 रुपए फर्जीवाड़ा कर लूट घसोट कर रहे थे। हितग्राहियों को भ्रामक आवास योजना में नोटरी शपथ पत्र बनवाने के एवज में फर्जीवाड़ा किया जा रहा था, जिसको जनपद सीओ अभिषेक त्रिवेदी ने ग्रामीण अमित कोठारी की शिकायत पर पकड़ा। जनपद सीओ अभिषेक त्रिवेदी ने पुलिस को बुलाया, लेकिन कोई हितग्राही शिकायत करने को तैयार नहीं हुआ। वहीं पंचायत सचिव दीपचंद गुर्जर जीआरएस पप्पू पटेलिया को बुलाकर पूरे मामले में फटकार लगाई और पंचायत में चल रहे फर्जीवाड़े को लेकर पंजीयन कर रहे लोगों पर निगरानी करने की हिदायत दी। मौके पर हितग्राहियों से पंजीयन के नाम पर लिए गए 400-500 रुपए की राशि 25 हितग्राहियों को मौके पर वापस कराकर पंजीयन कर रहे लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ फोन कॉल पर जुड़ रहे हैं जनपद सीओ अभिषेक त्रिवेदी। सर, एक ग्राम पंचायत बरगमा का एक मामला सामने आया है, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा ग्रामीण जनों से 500-500 रुपए लेने का मामला आया है, और जब आपको सूचना प्राप्त हुई तो आप भी मौके पर पहुंच गए थे, क्या है पूरा मामला? कुछ लोगों ने सूचना दी थी कि वहां पर ये स्थिति थी कि जो आवास आ रहे हैं उसके लिए शपथ पत्र बनाने हैं जी, और शपथ पत्र बनाने के लिए नोटरी कराना आवश्यक है, ऐसा किसी ने भ्रम का वातावरण बना दिया था जी। तो वहां पर कुछ लोग इसको लेकर नोटरी करवा रहे थे आदिवासियों से जी जी। तो जब मैं मौके पे पहुंचा, मैंने बात की तो उन्होंने कहा था वो आवास के लिए और हमको सबको ये सब नोटरी के पत्र बनाना जरूरी है जी। तो मैंने वो तत्काल बंद कराया, वो संबंधित नोटरी वाले से पूछा आप किसके कहने पे आए थे, तो उसने स्थानीय लोगों का नाम लिया, वहां पे उनके कहने पे आया था। स्थानीय लोगों ने भी उसके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की, लेकिन मैंने मौके पे सबके पैसे तत्काल वापस दिलवाए और उसको जी जी। सर, एक अहम बात है कि सरकार द्वारा ग्रामीणों को आवास प्राप्त हो रहा है, तो ये लोग है कौन और कहाँ से आए हैं? कुछ लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि ये तो सचिव के द्वारा करवाए जा रहे हैं। नहीं, सचिव और जीआरएस का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट अभी सामने नहीं आया जी, और ना ही वहाँ किसी ने सरपंच या उप सरपंच का नाम लिया। वहाँ पर उपस्थित लोगों सभी से मैंने बातचीत की और सभी से वो कहलवाया कि अगर इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है तो आप मुझे बताएं, मैं उस पर तत्काल कार्रवाई करूंगा। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 500-500 रुपए लेने का कोई प्रावधान है क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब हितग्राहियों के लिए ही बनाई गई योजना है, उसमें एक सिंगल रुपया भी कोई किसी स्तर पर ना मांग कर सकता है ना ले सकता है जी। क्योंकि इस कार्रवाई में किसी भी शासकीय कर्मचारी का इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आया, तो अभी हाल फिलहाल मैंने किसी को वो नहीं की, लेकिन वहां चेतावनी देते हुए मैंने वो बोल दिया कि इस तरह की कोई भी कार्रवाई हुई तो संबंधित सचिव और जीआरएस को मैं कार्रवाई करूंगा जी। पंचायत नगर कोई भी चीज सामने क्योंकि इस तरह का मामला सामने आया है, तो इन लोगों पर क्या कार्रवाई की जाएगी? ये शिकायत करने पर एक्चुअली कार्रवाई होती है, किसी भी व्यक्ति ने उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की, उन्होंने कहा हम अपनी सहमति से बनवा रहे थे जी। तो उन लोगों को भी मैंने यही समझाया कि इस तरह से कोई भी नोटरी बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है, जो शपथ पत्र है वो सामान्य कागज पे आप लिख के दे सकते हैं कि हम जो राशि है उसका उपयोग आवास बनाने में ही करेंगे, उसके लिए किस तरह की नोटरी और पत्र की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक, थैंक यू।